बच्चों चेन रूल हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था सर, पेपर डिस्कस कर लो। सर पेपर डिस्कसिंग कब होगा? पेपर डिस्कस करना है क्या? पेपर इतना टफ था? नहीं सर। यस सर, थोड़ा डाउट था। यस सर। नहीं सर, पेपर डिस्कस कर लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो बच्चे, नेटवर्क इशू के कारण लगता है एग्जिट हो जाते हैं। मैंने कहा था बच्चों कि चेन रूल जो है ना बहुत ही पावरफुल रूल है, ये डिफरेंशिएशन को आसान कर दिया। टफ सवाल भी इजीली तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। यही चीज लैग करता है जब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा बच्चों, ऐसा कुछ चेन रूल जैसा नहीं, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये चेन रूल है क्या, आइडिया हमने दे दिया था बच्चों कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे नहीं आता है, वी डोंट नो द डिफरेंशिएशन, बट वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन लेट्स जेड। सो पहले जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन जेड को एक्स के रेस्पेक्ट। We can do it. कोई कहेगा सर ठीक है ये तो निकल गया डी वाई अपॉन डी जेड, लेकिन जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, सो जेड का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, लेट्स डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में वी नो दैट, तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड देन डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दिस चेन विल कंटिन्यू टिल हम लास्ट तक पूरा का पूरा सॉल्व कर लें। बच्चों यहां तक स्टेटमेंट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। एकता वर्णे रे लास्ट क्लास में एब्सेंट थी, ज्वाइन की फिर चली गई थी। अब बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना, मुझे डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों हम जानते क्या है, हम लोग जानते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, एंगल में एक्स, वी डिफरेंशिएट विथ एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स एक्चुअली ये कंसेप्ट को देखो, पैटर्न को पकड़ो। अगर यहां होता है साइन थीटा एंड वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाता कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पे एंगल में एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में वी डोंट नो। कोई बता सकता है कि मुझे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पता है? एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट। यही कैच करना है बच्चों, दिस इज द थिंग यू हैव टू कैच, जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस, जो एंगल में वही हो जाएगा। समझ में आया कि साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, बट अनदर फंक्शन जेड पता है, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पता है। सो व्हाट वी विल डू, साइन एक्स स्क्वायर को फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इनटू, तो ऐसे ही रिप्लाई करते जाना बच्चों, ऐसे ही बोलते रहना है, मुझे भी मजा आता है। एक्स स्क्वायर को एक्स से, एक्स है ना। सो बच्चों दिस बिकम्स, अब देखो ये तो आता है बच्चों cos x स्क्वायर, अभी अभी बताया। Do we know to find how to find this? 2x. 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 x का n वाला फॉर्मेट है 2x, तो आंसर हो गया बच्चों 2x cos of x स्क्वायर।
इज इट क्लियर? क्या ये सवाल अच्छे से समझ में आया, स्पेशली द मेंटल वन? यस सर, यस सर। जिसको ये समझ में आया, यू विल एंजॉय दिस कांसेप्ट चेन रूल, और जिसको नहीं समझ में आया वो बहुत परेशान रहेंगे। सर एक मिनट। ठीक है, लिख लो, तब तक मैं इसको अब बच्चों एक और सवाल करते हैं। If y is equal to, बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का तो हमने निकाला था, कोसाइन क्यूब एक्स का भी कुछ सिंप्लीफिकेशन से निकाला था, लेकिन वो टेक्निक था। बट मैं यहां पर देता हूं सपोज साइन फाइव एक्स, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली साइन एक्स का होल टू द पावर फाइव है ना। और बच्चों मुझे निकालना है dy upon dx, that means d upon dx of sine x raised to power 5। बच्चों इसको कैसे सॉल्व करें? sine x raised to। बच्चों ये पैटर्न देखो कि कौन से पैटर्न पे, तुम लोग गेस करना है ना, क्या ये इस पैटर्न के फॉर्मेट पे है या एकदम से ध्यान से समझना बच्चों, किस फॉर्मेट पे इसको बैठा सकते हैं? सेकंड फॉर्मेट सर, सेकंड। क्या मतलब तुम लोग ब्रिलियंट हो बच्चों, सेकंड वाले फॉर्मेट पे समथिंग टू द पावर फाइव एन है ना, इस फॉर्मेट पे है। जिसको ये समझ में आ गया उसको तो ये चैप्टर बहुत ही आसान जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी कोशिश करेगा समझने का। बच्चों देखो ये समथिंग टू द पावर एक्स टू द पावर एन, तो जिसका पावर बच्चों उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, am I right? समझो इस बात को। yes, जिसका yes. पावर उसी के रेस्पेक्ट में। सो बच्चों इसको अगर मैं लिखना चाहूं sin x to the power 5 है, first we will differentiate with respect to sin x, sin x, अब sin x का chain rule के accordingly ऐसा x के respect में। बच्चों देखो ये इस format पे है क्या, अच्छे से समझना है। yes sir, yes sir। दिनेश, yes sir। दिनेश शिंदे तेरी आवाज आनी चाहिए। yes sir। Yes, Dinesh, yes, इस फॉर्मेट पे समथिंग टू द पावर एन तो आ जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा इसी फॉर्मेट पे? 5 sin x पावर 4 cos x, 5 sin x पावर 4 sin x टू द पावर 5 cos 1 तो 4 और sin x का cos x, cos x, cos x सर। बच्चों सोचो कि आज तो हमने ये सीख लिया, आज हमने ये सीख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बैच में जितने बच्चे 72 बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि 72 का 72 कंफर्टेबल हो कि यस सर वी नो दिस। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसा ही मतलब ये बड़ा इंटरेक्टिव बैच, मजा आ रहा है पढ़ाने में। तुम्हें भी मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में? यस सर, बहुत। यस सर, यस सर, यस सर। लास्ट क्लास बड़ा निराश कर दिया था बच्चों, 10-12 बच्चे अब्सेंट थे। यस सर, ये अच्छी बात नहीं यार, अपसेट नहीं होना है। जो पढ़ रहे हो तुम लोग किसके लिए? खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए नहीं। तो मम्मी पापा कहे, टीचर कहे कॉल करके तो अटेंड करना है, ये गलत बात है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, मुझे करना है। तूने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया, कोई डॉक्टर बनने का, कोई आईआईटी में जाने का, है ना, ये छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, तो हमें उसके साथ काम करना पड़ेगा। चलो बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो सवाल कर लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू e to the power sin x, और बच्चों मुझे निकालना है
dy अपॉन dx, मतलब मुझे निकालना है d अपॉन dx ऑफ e रेस टू sin x। बच्चों ये सबसे पहले देखो कि ये कौन से फॉर्मेट पे, इसको किस फॉर्मेट पे ब्रेक करूं, e to the power x, क्या बात है। सबसे पहले किस फॉर्मेट पे ब्रेक करूं, तो सारे बच्चों ने कहा कि सर इस फॉर्मेट पे ब्रेक कीजिए, e टू द पावर समथिंग है, तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, साइन एक्स, जो e रेस टू x, वेरिएबल x है बच्चों, e रेस टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहां साइन एक्स है तो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, एंड देन साइन एक्स का एक्स एक्स के रेस्पेक्ट एक्स, ये आ जाएगा बच्चों साइन एक्स, ये तो ई रेस टू पावर जो यहां उसी के रेस्पेक्ट वही आता है, ये तो बहुत ही सिंपल आता है, ई टू द पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x। बच्चों तीसरा एग्जांपल भी समझ में आ गया? यस सर, यस सर, एक और ले, यस सर, यस सर, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं बच्चों कौन बताता है, y इज इक्वल टू log बेस e cos x, log बेस e cos x, dy अपॉन dx, देखते हैं कोई बच्चा कर पाता है क्या, ये मैं नहीं हिंट दूंगा, ये तो सर d सर हाफ वन अपॉन x सर cos x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, यस बच्चों मुझे निकालना है log बेस e, मतलब ln cos x है ना, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x के रेस्पेक्ट में तो नहीं पता है, cos x जो यहां पे होता है उसी के रेस्पेक्ट में, ग्लोरी कुछ है बोले, ग्लोरी कनेक्टेड हो, यस सर, अच्छा ग्लोरी तुमने तो लास्ट लेक्चर में लास्ट टेस्ट में एकदम 60 आउट ऑफ 60 स्कोर की है, तुझे तो बहुत अच्छा स्कोर किया है ग्लोरी, अभी पापा को yes, बधाई उधाई दिए तुमको, यस सर, क्या बोले पापा, और अच्छा करने, और भी अच्छा यार 60 ऐसे ही कंटिन्यू करना है ना, बहुत बढ़िया पक्का ना सर, आंसर माइनस 10x है क्या, एकदम सही, माइनस 10x, लेकिन एक ईमेल आईडी से तूने ऐसे भी डाला था, ग्लो करके फिर से डाला था, दो दो ईमेल आईडी से, नो सर, फेस देते हो ना, जो ईमेल आईडी वहां भरते हो उसी पे मेल जाता है, ऑटोमेटिक मेल जाता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रिलीज कर देता हूँ, तो सर ये मेल नहीं आया है सर इस वाले टेस्ट का, क्या तो मेरे को भी नहीं आया सर, इस टेस्ट का कोई मेल नहीं आया है सर, मैंने चेक किया सर, मुझे भी नहीं आया, बहुत ईमेल आईडी गलत भरोगे बच्चों तो नहीं जाएगा, जैसे कोई भरा था akrhd@ आया सर, सर मेरा था वो डॉट, तो बच्चों सर मैंने अपना करेक्ट करा था सर, मुझे फिर मेरा भी करेक्ट था, मैंने अपना करेक्ट सर, फॉर्म फॉर्म को चेक कोड दिया था, कोई को हाँ कोई को लिख दिया था, कोई आधा छोड़ देता है, ईमेल आईडी करेक्ट लिखना, चलो सर करेक्ट था तभी भी नहीं आया, हाँ सर मेरा भी करेक्ट था सर, मैंने चेक किया था सर, मेरा भी तो आएगा ही नहीं, आने का सवाल ही नहीं यार, ये गूगल, अरे मैक्स मालूम हो गया तो क्या जरूरत है सर, सर पता चलता है ना कौन सा गलत था कौन सा सही, नहीं वो जरूरी है, मार्क्स किसमें कटेगा, मार्च में तो सबको नहीं पता, इफ यू विश आई कैन शेयर द, मैं पूरा नहीं लिस्ट शेयर करता हूं ग्रुप पे, बिकॉज किसी के मार्क्स कम है तो बच्चा परेशान हो जाएगा, दैट्स व्हाई,
लेकिन बच्चों जिसके मार्क्स कम आया तो वो परेशान नहीं होना है ना, मोटिवेट होने कि मुझे और अच्छा करना है। चलो सर मैंने जो भेजा था ना आपको वो वाला था मेरा। बच्चों ये हो जाएगा, बच्चों कितना हो जाएगा, लॉन लॉन एक्स का होता है वन बाई वन बाय कॉसेक और कॉसेक्स का होता है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस टेन एक्स एक्स ठीक है ना। तो बच्चों ये याद रखना है, इसके ना कभी जरूरत पड़ेगी हमें, मैं इंटीग्रेशन में हेल्प लूंगा इसका। आपने इज इक्वल टू करके क्या लिखा है फिर से बोलो? माइनस टेन एक्स है सर वो, ये माइनस टेन एक्स है। तो चौथा सवाल भी कर दिया। तो ऐसे दे दिया y is equal to root of sin x plus 2, मुझे निकालना dy upon dx, that means d upon dx of sin x plus 2 to the power half। बच्चों ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं है, इसको सबसे पहले कौन से फॉर्मेट पे ब्रेक करूं, साइन एक्स वाले फॉर्मेट पे या एक्स टू दी पावर एन वाले फॉर्मेट पे? साइन एक्स वाले। ये देखो समथिंग का पावर हाफ है बच्चों, किसी का पावर हाफ, तो जिसका पावर तो उसी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इस फॉर्मेट पे ब्रेक होगा और फिर साइन एक्स प्लस टू को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये बच्चों ये पता है एन इंटू एन माइनस वन, एन साइन एक्स प्लस टू टू द पावर एन माइनस वन, ये हो गया। इसका तो बहुत ही इजी है, कितना लिखा बच्चों cos x और 2 का प्लस 2 जीरो, 2 का जीरो, बहुत ही बढ़िया जीरो। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लें तो ये हो जाएगा cos x upon 2 sin x plus 2 और ये माइनस हाफ है इसलिए बच्चों नीचे आकर के रूट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, तुम लोग अब इतना सीख लिए हो। तो इसको कैसे सॉल्व करें, dy अपॉन dx निकालना है, कैन यू सॉल्व दिस? x टू द पावर n के फॉर्मेट में लिखेंगे। यस x टू द पावर n के फॉर्मेट में, बहुत बढ़िया आयुष। आयुष तू फर्स्ट लेक्चर से या लेट ज्वाइन किया था दो चार दिन? नहीं सर फर्स्ट लेक्चर से ही हूं। बच्चों इसमें क्या करना है, समथिंग का पावर 4 है तो इसके फॉर्मेट में ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और डिफरेंशिएट जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में। लिसन द लैंग्वेज, इनटू
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको x के रिस्पेक्ट में, x टू द पावर n का फॉर्मेट है 4, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन टू द पावर 3। देखो ये बहुत ही आसान सा है, देखने में बड़ा लग रहा है, घर पे पापा देख के खुश हो जाएंगे, बेटा हमारा बहुत पढ़ रहा है तो बड़ा बड़ा चीज कर रहा है, लेकिन है ये कितना आसान। अब बच्चा इसमें क्या आता है, ये आता है हाँ सर आता है 2x plus 2। ये इसको सेपरेट कर देंगे, x स्क्वायर का 2x, 2x का प्लस 2 और 1 का तो 0, तो ये हो गया थोड़ा अरेंज कर, पहले से रिपीट कर 8, इसको लिख लिया बच्चों x प्लस 1 और हो गया x स्क्वायर प्लस 2x। ये तो बच्चों थोड़ा सा आसान था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सिंपलीफाई कर, x प्लस 1 का होल प्लस 1 x प्लस, बट ठीक है मान लो यहां पे 1 की जगह पे मान लो कि सपोज 3 दे दिया होता तो आसान नहीं। सर सेकंड स्टेप रिपीट कर, सपोज ऐसा होता कहां पे, कौन सा स्टेप रिपीट करना है, सेकंड पहला दूसरा, ये क्या फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, कौन सा फिर करना है, सेकंड सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में भी दो पार्ट, ये x टू द पावर n का फॉर्मेट, n इंटू n माइनस वन, और इसको क्या करेंगे प्लस माइनस में, तो इसको ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर का 2x, 2 और x का 1, आई बात समझ में, yes। तुम लिख भी लोगे ना और जब दोबारा देखोगे ना बच्चों तो समझ में आ जाएगा, है ना, डोंट वरी। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो कि सर यहां पर मुझे क्लियर नहीं हुआ, लिखना और घर पे रिवाइज भी करना, कभी कभी क्या होता है गलती से हमने लिखा है 3 तूने लिख दिया 2, तो जब तुम रिवाइज करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा। चलो बच्चों थोड़ा सा इसे बड़ा सा बना दिया, y is equal to cos of ln x square plus 2x। अब बच्चों मुझे ना dy upon dx निकालना है। सर पहले ln x square plus 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले बताओ ये किस फॉर्मेट पे है? God is blur से। Cos x। Cos x। Cos वाला है। Cos x कैसे? Cos। सर God is blur। ln x स्क्वायर प्लस 2x को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों cos थीटा, तो जो भी थीटा में ln x स्क्वायर प्लस 2x, फिर क्या करेंगे इनटू d ऑफ ln x स्क्वायर प्लस 2x, इसको किसके रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर प्लस 2x के रिस्पेक्ट में, तो ये ln वाला फॉर्मेट है, एक ही बार में लिख रहा हूं, फिर क्या करेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x के रिस्पेक्ट में, तो ये तीन बार करना पड़े है ना, ये तो हो जाएगा बच्चों cos का sin, तो हो जाएगा माइनस sin ln x स्क्वायर प्लस 2x, बच्चों ये लॉन है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स,
और इसको तो अभी अभी देखा, ओपन कर लेंगे 2x plus 2 बच्चों इतने सारे एग्जांपल लिए, जो भी 5th, 6th, 7th, 8th जो भी एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला ले दिया, देखते हैं बच्चों का दिमाग कितना काम करता है। dy अपॉन dx निकालना है बच्चों, आसान है, टफ नहीं है। तो इसमें सबसे पहले u by v का फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले चेन रूल लगेगा या u by v का फॉर्मूला लगेगा? सर पहले इंडाइसेस के रूल्स से सिंपलीफाई कर लेंगे ना। कैसे सिंपलीफाई होगा ये? सर नीचे का। ये सिंपलीफाई होगा क्या? इससे आगे और क्या करोगे सिंपलीफाई? एडिशन। नहीं, करके देखो कुछ आता है क्या? चार्ज एब्सेंट बच्चे कौन कौन से हैं देख लेते हैं थोड़ा एक मिनट। सर मेरे पास सीरियल नंबर नहीं है। नहीं मिला लेना है मुझे। कौन से बैच में हो सिद्धि? यही सर, यही बैच में हूँ, M3। मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग? हाँ मेडिकल। अभी से याद कर लेना, तुम्हारा सीरियल नंबर रहेगा 4040, तब से ज्वाइन करना 40 सीरियल नंबर से। ओके ओके सर, चलो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ बच्चे कल होंगे यू बाई बी के फॉर्मेट पे, है ना? तो सबसे पहले यू बाई बी के फॉर्मेट पे ब्रेक कर लो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 वी स्क्वायर ना, एंड देन वी को एज इट इज बच्चों और डिफरेंशिएट करेंगे यू को, दैट मींस एक्स को। यहाँ प्लस होता था कि माइनस? माइनस। पक्का? माइनस। एकदम बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस से तुम लोग बता रहे हो। देन एक्स एज इट इज डी ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में। बताओ अब लगता है चेन रूल का यूज आ जाएगा, है ना? ये तो क्या वन माइनस एक्स, इसको आप कैसे करें बच्चों? सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 को पहले समथिंग का पावर है, ध्यान देना समथिंग का पावर, तो जिसका पावर उसी के रिस्पेक्ट में। ए बच्चों कांस्टेंट है ना, एंड देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में एंड होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। लिखने में बड़ा है तो बड़ा आसान, एज इट इज मैं भी परेशान हो रहा हूं इतना बड़ा लिख लिख के। माइनस एक्स, इसका बच्चों डायरेक्ट कर दे n इंटू n माइनस वन, सो 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना लिखे? हाफ 1/2 इंटू ए स्क्वायर का 0 बच्चों, बिकॉज a कांस्टेंट है, दिया जाएगा a इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x, सो ये 2 और ये 2 चला जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो बच्चों, ये 3/2 का मतलब 1 + 1/2, यहाँ भी 1/2 है। तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, लिखता हूँ, तुम लोगों को समझ में आता है क्या। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कॉमन ले लो, सो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, पावर 1 बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे मेडिकल बैच को थोड़ा सा परेशानी आएगी बच्चों, लेकिन ये आसान ही है, टफ नहीं है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया, ये 2 चला गया, ये 3x और x, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2x2। डिनोमिनेटर को डायरेक्ट माइनस की पावर में कर सकते हैं क्या? क्या फिर से बोलो? डिनोमिनेटर को माइनस 3/2 लेकर कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2, तो यू इनटू वी का फॉर्मेट में ब्रेक करना होगा। हाँ यू इनटू वी बात तो ही है ना। तो 3 और 3 6 बच्चे अभी एब्सेंट है, स्टिल 6 बच्चे एब्सेंट है, बताओ सर अभी पेपर डिस्कशन लो ना। ठीक है अभी तो टाइम है ना, अभी तो ले लेते हैं पेपर डिस्कशन भी ले लेते हैं, डोंट वरी। तो चेन रूल में कंफर्ट जोन आया क्या? अभी और सवाल करूं या असाइनमेंट दे दूं, बाद में हम लोग आगे प्रैक्टिस कर लेंगे। असाइनमेंट दे दो, असाइनमेंट दे दो, आगे बढ़ाते हैं। एक असाइनमेंट भेजा है क्या तुम लोगों को? हाँ यस सर, यस सर। असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे है ना, उसमें सॉल्यूशंस सॉरी आंसर्स की भी दिया हुआ है, तो उसको मैच करा लेना। सो बच्चों चेन रूल से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक होता है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन का एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। कहोगे सर ये पैरामेट्रिक होता क्या है? बच्चों यहां पे ना y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं दिया रहेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया तो dy अपॉन dx, जैसे अभी तक जितने भी करे थे y is equal to let's sin x, y is a function of x। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में x as a function of कुछ पैरामीटर लाइक t, x as a function of t दिया रहेगा and y is also function of t, some gt लिख देता हूं, another function of t। मतलब x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता है, x और y में t के रेस्पेक्ट में t के फॉर्म में रिलेशन दिया जाता है। जैसे सपोज कोई कह दे x is equal to 2t plus 3 और y is equal to t cube plus 4t, ऐसा कुछ दे दे, तो इसको बोलते हैं बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक का मतलब समझ में आया, पैरामीटर t के टर्म में x दिया हुआ है, t के टर्म में y दिया हुआ है। और बच्चों पूछा रहेगा dy अपॉन dx निकालना है, तो कहोगे सर x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है तो हम dx/dt निकालने आते हैं, मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, we know how to find dy upon dt, but dy upon dx कैसे निकालें? दोनों को डिवाइड कर देना सर। यस कितना बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे यहाँ पे हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम सही जवाब था। बच्चों क्या करेंगे dy अपॉन dx को निकालना है तो ये लिख सकते हैं dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, ठीक है? So we can write in this way. जैसे यही सवाल सॉल्व करना है, कैन यू फाइंड दिस dy अपॉन dx? ओके यस सर, बहुत ही सिंपल सर।
dy by dt कितना हो जाएगा dy upon dt 3t square plus 3t square plus 4 4 बहुत बढ़िया और dx by dt कितना हो जाएगा 1 2 2 2 3 का 1 3 का 0 और ये 2 हो गया dx by dy upon dx कितना आ जाएगा पैरामीटर में आ जाएगा t के टर्म में आ गया ओके यस सर एक मिनट सर रुक मत यार तो गलती से रब कर दिया ये ठीक है 3t square plus 4 divide by 2 बच्चों ऐसे भी दिया जाएगा x is equal to suppose sin theta y is equal to 2 cos theta है ना पूछा जाए dy upon dx क्या होगा तो कैसे निकालेंगे ओके सर इसको तो कैसे लिखें बच्चों dy upon d theta whole divided by dx upon d theta dy upon d theta क्या हो जाएगा बच्चों 2 sin theta 2 minus sin theta minus minus 2 tan theta cos theta sin theta हो जाएगा cos theta dy upon dx इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा बच्चों minus 2 tan theta tan theta tan theta बच्चों क्या ये डिफरेंशिएशन टफ जा रहा है नहीं सर नहीं ना नो सर गुड सर ये चेन रूल के बाद का है क्या हाँ चेन रूल के बाद का पैरामेट्रिक फॉर्म चेन रूल पे बच्चों सवाल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा मैंने सवाल समझा दिया है प्रैक्टिस करना असाइनमेंट दूंगा सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एक्चुअल मीनिंग क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म का बस पैरामेट्रिक का मतलब पैरामीटर में हो एक्स एक पैरामीटर टी में है वाई इज ऑल्सो इन पैरामीटर टी वाई और एक्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बच्चों टी के थ्रू रिलेशन है इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामीटर जैसे अभी जो एग्जांपल लिया एक्स एज ए फंक्शन ऑफ थीटा वाई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया था मतलब तीन वेरिएबल होते हैं तीन हो गए या थीटा से दोनों थीटा से रिलेटेड है बच्चों एक और फॉर्मेट बता करके फिर आगे बढ़ते हैं सिलेबस आगे बढ़ा रहा हूं एक होता है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन आपको कहते सर ये इम्प्लिसिट लिखे तो कुछ फंक्शन एक्सप्लिसिट भी होता है अब ये है क्या implicit explicit function क्या होता है बच्चों जैसे देखो y is equal to मैंने लिख लिया x square plus 3x plus 2 y जो है explicitly x के टर्म में लिखा हुआ है suppose y is equal to लिखा हुआ है sin x y in terms of x लिखा हुआ इसको बोलते हैं बच्चों explicit क्योंकि सर implicit क्या होगा दो वेरिएबल y x into y plus x into y is equal to x square plus 2x y square plus 3 ऐसा कुछ दिया होगा बच्चों अब यहां से y एज ए y को सिर्फ x के टर्म में लिखना बड़ा मुश्किल लग रहा होगा है ना मिक्स्ड है सिर्फ y इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा हुआ है मिक्स्ड है तो इसी को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन इज इट क्लियर इम्प्लिसिट यस सर जैसे y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin xy प्लस 3x तो बच्चों क्या हो गया दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन y explicitly
x में एक्सप्रेस्ड नहीं है, x के फंक्शन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, ओके? हालांकि कोई सवाल जैसे देखो, एक फंक्शन लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी। अभी अगर मैं देखूं तो ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन में लिखा हुआ है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कोई इसको अरेंज करके लिख सकता है कि सर इसको ऐसे लिखें क्या, वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स, यहां से यहां लिख दिया तो इस फॉर्म, यही चीज एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ y is a function of x, यहां पे नहीं, तो ये implicit कहेंगे और ये explicit कहेंगे। Sometimes हम easily implicit को explicit में convert कर सकते हैं, sometimes we can't, जैसे ये करना मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो anyway, बच्चों परेशान नहीं होना है। अगर पूछ दे मुझे ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं और मुझे dy upon dx निकालना है, कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना है, अगर dy upon dx निकालना है तो क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x। dy upon dx निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy upon dt निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी निकालना है। अब मान लो मैं एग्जांपल लेके सॉल्व करूं तो कौन सा करूं, ये करूं क्या, इसको कर लेते हैं पहले, ये अभी एक्सप्लिसिट implicit format में, तो let's इसको solve करते हैं बच्चों। dy upon dx of x into y, this is equal to dy upon dx of c, यहाँ पे दिया रहेगा बच्चों c is a constant। बच्चों इसको कैसे करें, क्योंकि सर simple product rule, product rule u into v rule, yes, तो बच्चों पहले y को एज इट इज x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1, एक स्टेप आगे बढ़ू दिशा शैलार, बढ़ू आगे, परमिशन ग्रांटेड, यस गुड। अच्छा बच्चों x को डिफरेंशिएट किया 1, अब क्या करेंगे बच्चों, x को एज इट इज और y को डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy upon dx, x को एज इट इज, That is equal to, इधर क्या लिखूं, C जीरो 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 जीरो। बच्चों यहां से मुझे dy upon dx निकालना है, तो लिखेंगे dy upon dx, इस y को उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस y, और x को इधर लेके आ जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, है ना? Yes, sir. बच्चों कोई कहेगा कि dy upon dx निकालना था तो वो स्मार्टली क्या कहेगा, उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख दिया, तो ये सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस, डिफरेंशिएट करना dy upon dx, y है क्या बच्चों c by x, ये c बाहर, 1 by x का डिफरेंशिएशन किसी को याद है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। यार ये और ये तो डिफरेंट लग रहा है, दोनों का आंसर अलग है, ये कैसे पॉसिबल है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, या दोनों सेम ही तो नहीं है, कैन यू चेक, जो कोई बता सकता है कि सर दोनों सेम ही है, एनीवन? यस सर, सर वाई की वैल्यू अगर सी सी इक्वल्स टू एक्स एंड वाई से एक्स कट हो जाएगा, सी एक्स वाई इक्वल टू सी है तो कोई बहुत अच्छा बता रहे सर, सी को ना अगर आपने एक्स वाई रख दिया और ये माइनस साइन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स एक्स गया माइनस वाई अपॉन एक्स, दोनों सेम ही है, यस माइनस वाई अपॉन एक्स है ना, सेम, मतलब हम लोग कुछ गलत यस सर ये किए हैं, यस सर। चलो तो बच्चों एक और कर लेते हैं, देखो ये लिखा, इसको भी सॉल्व कर लेना है बच्चों,
बच्चों ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स सही है। साइन एक्स वाई, सबसे पहले कोई बताएगा कि अभी क्या करूं, मैं तो फंस गया यार, ये कैसे सॉल्व करें? एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, डिफरेंशिएट करते। तुमने तो बचा लिया, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, जो एंगल में उसी के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, और प्लस थ्री, और इसका तो हो जाएगा वन। dy upon dx sin xy का हो जाएगा बच्चों cos xy, cos xy, cos xy, और इसको चेन रूल से करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों। पहले y को as it is, dy upon dx plus, ये अब एक चीज बता रहा हूं जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से परेशान नहीं होना, इसकी यूज आएगा नहीं मेडिकल में, तो आएगा नहीं, इंजीनियरिंग बैच के लिए है इसलिए पढ़ा रहा हूं, मेडिकल वाले नहीं भी समझ में आया आराम से बैठ सकते हो, नो नीड टू सॉल्व दिस, है ना, तो टेंशन नहीं लेना बच्चों, जहां जरूरत है वहां पे बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जरूरत नहीं। सर वो y into dx by dx होगा ना? हाँ सॉरी, x के रिस्पेक्ट में, फिर x as it is, y को x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस थ्री, सो dy upon dx, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसको ओपन कर लो, ये वन हो जाएगा, y into cos xy, ये तो वन हो गया, प्लस x इंटू cos xy इंटू dy अपॉन dx प्लस थ्री। इसको टर्म को इधर लेके आ जाओ, dy dx कॉमन ले लो, डोंट वरी बच्चों, कुछ बच्चे परेशान होंगे मुझे लग रहा है, सो परेशान मत हो ना, वन माइनस x into cos xy, just simplify कर रहा हूं, nothing else, y cos xy plus 3, और dy by dx इसको इधर लिख चले गए, तो ये बस ऐसे ही है मस्ती के लिए बच्चों, परेशान नहीं होना इस सवाल में, this is not relevant to our study, जो बेसिक मैथ में, लेकिन इसलिए करा दिया कि बुकलेट्स में मान लो कि सवाल आ गया, तुम कहोगे सर आपने तो बताया नहीं, इसलिए मैंने ये बता दिया, बट हमें पता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मिटा दो इसको, चलो ये लिखे ना, डोंट पढ़े, और बच्चों अब थोड़ा सा सिंपल सा रहा है, आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन ये कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन, बहुत ही आसान, बच्चों इसको डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सो वी कैन ऑल्सो से डबल डिफरेंशिएशन या डबल सेकेंड डेरिवेटिव, तो उसको क्या करते हैं, dy upon dx को क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, तो अगर सपोज y एक फंक्शन है बच्चों, तो इसको ना एक बार डिफरेंशिएट करें, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और इसी क्वांटिटी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया स्क्वायर बच्चों, इसी को बोलेंगे स्क्वायर y डेरिवेटिव, सेकंड डबल डिफरेंशिएशन, सर इसे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना? हाँ बता रहे हैं, बता रहे हैं, अब बच्चों क्या करना है, ऐसे लिखने के लिए
अब इतना बड़ा लिखने की जगह पे थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं लिखने के लिए। शॉर्टकट क्या है, इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज कन्वेंशन, ऐसा नहीं कि डी और डी तो डी स्क्वायर हो गया फिर वाई, तो कोई कहेगा सर यहाँ पे नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं। और वी प्रोनाउंसिएट लाइक दिस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अगर तो इसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं ना, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं बच्चों। अगर मैं तीसरी बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि थर्ड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू राइट दिस d3y अपॉन dx क्यूब। बहुत बढ़िया, d3y अपॉन dx क्यूब, दिस इज कॉल्ड साइंस, दिस इज कॉल्ड साइंस, है ना, समझो इस चीज को। अगर मैं बच्चों को कहूं nth डेरिवेटिव, n बार डिफरेंशिएट किया आई बात समझ में? तो बच्चों हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अगर सीख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव सीख लिया तो ये कैसे निकालेंगे सेकेंड थर्ड, बहुत ही इजी है। एक सवाल लूंगा और यू विल एंजॉय। यस सर, ये तो मजा आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल टू दिया बच्चों x टू द पावर 4। मैं किसी से पूछूंगा बच्चों निकालो dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव, और मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बताएगी। और मेरी फेवरेट स्टूडेंट कौन है, श्रेया, एक सेकंड रुकना। So, बच्चों dy अपॉन dx निकालना है, और किससे पूछूं, धीरज, धीरज नाम है, यस धीरज शिंदे, कितना होगा 4x क्यूब। बहुत बढ़िया बच्चों, मुझे निकालना है डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब dy अपॉन dx ऑफ किसका, d upon dx of इसका मतलब 4x क्यूब का 12x square। दिशा पाटिल, दिशा पाटिल कितना होगा बताओ, दिशा तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। सर मैं लेफ्ट हो गई थी, नेटवर्क इशू था दो। ओके बस बस इसको डिफरेंशिएट करना, नथिंग एल्स, मतलब आज पूरा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों। और अगर मैं बच्चों किसी से पूछ दूं डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब क्या होगा इस सवाल में, 24x, क्या बात है। देखना बच्चों तुम लोग कितने ब्रिलियंट हो, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर भी बता सकते हो, 24। देखना डी फाइव अपॉन डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स फाइव भी बता सकते हो, जीरो। और डी सिक्स वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी बता सकते हो, सॉरी डी एक्स सिक्स भी बता सकते हो, जीरो। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑनवर्ड सारा जीरो हो जाएगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, है ना। तो बच्चों बताओ, तुमने अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना सीख लिया तो सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना कौन सी बड़ी बात है, है क्या कोई बड़ी बात? नो सर, नो सर। देखते हैं कौन सा बच्चा सही सही जवाब देता है, है ना। अगर बच्चों मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, और मैंने दे दिया कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो,
कौन सबसे आंसर माइनस साइन एक्स वालों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। गिरीश पावरा तुम तो लेट ज्वाइन किए हो ना गिरीश, माइनस साइन एक्स एकदम सही जवाब है। बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट करना है माइनस साइन एक्स। अगर मान लो कह दिया जाए इफ वाई इज इक्वल टू दिस, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, देखो कैसे सवाल फ्रेम करेंगे, इफ वाई इज इक्वल टू दिस देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट, मैं ऐसे दूंगा, क्या कहोगे? सवाल पूछने का तरीका अलग होगा, यू शुड लर्न बच्चों की यहाँ पे कैसे पूछा जाता है सवाल, कैसे ट्विस्ट किया जाता है सवाल, हमें पूरा दिमाग ओपन रखना है ना। कोई बच्चे परेशान ये दिया हुआ तो ये कैसे हो सकता है, सॉल्व करना, पेशेंस रखना, हमें आता है। चलो बच्चों तो आज का क्लास हम लोग बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हम लोगों ने क्या सीखा, चेन रूल सीखा, और क्या सीखा बच्चों, छोटी सी चीज पैरामेट्रिक फॉर्म सीखा, डबल डिफरेंशिएशन सीखा है ना, जो कि बहुत ही आसान था। सो आई विल गिव यू असाइनमेंट, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट। मेडिकल वाले थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ हो सकता है, थोड़े टफ होते हैं, बट सर्टेनली यू विल एंजॉय, आई विल टेक डाउट सेशन। एंड बच्चों मैं डिस्कशन करने वाला हूं टेस्ट का, तो ओनली 10 मोर मिनट्स एंड देन वी विल डिस्कस दस मिनट और लूंगा, उसको छोड़ दूंगा, इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूं, हालांकि 4-5 सवाल डिस्कस कर लिए। तो ये भी टी रूट इंटू रूट टी, तो क्या करना है, ये टी टू द पावर 3/2 है बच्चों, टी टू द पावर 3/2 उसको डिफरेंशिएट करना है, तो 6 इज ऑल्सो इजी, ये तो महा इजी है, ऑप्शन डी, यस डी, क्या बात है, तुम लोग मन से सॉल्व किया, डी बाय अपॉन डी एक्स sin x का cos x, cos x का sin x, ऑप्शन सी एकदम सही बच्चों। ये u इनटू v का फॉर्मेट प्रोडक्ट रूल ये बच्चों थोड़ा टाइम टेकिंग है, किसी बच्चे ने कहा सर ये तो कोई भी नहीं आ रहा है, मैंने कहा था ना ऑप्शन डी क्लास में आता है, सारे याद रखना है, cot x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, cos x का, तो कम से कम एक ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ठीक है, देख लेना जो भी है। से cot x का कितना होता है बच्चों, माइनस माइनस cos x cos x स्क्वायर, tan x का sec स्क्वायर, sec स्क्वायर, c और d में देखोगे तो ak r तो है दोनों में, b का p तो गलत हो गया, tan x का होता है डी ऑप्शन है, तो डी से करेक्ट करो, डी इधर करेक्ट। इसमें भी कुछ बच्चे परेशान हुए थे सर, sin 2x बच्चों, sin फॉर्मूला डालना, ये हाफ तो है, sin 2x का हो जाएगा बच्चों cos 2x, 2 sin x cos x, और x का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका सीधे cos 2x हो जाएगा, तो a का s कौन-कौन में, a और c में, एंड देन दूसरा देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, u by v, u by v से, u by v एकदम सही, u into v प्रोडक्ट रूल डी ऑप्शन नहीं आ जाएगा, sin cube x का फॉर्मूला लगाना था बच्चों, formula ये देखो ये थोड़ा ना हमने तो इसका बताया था, लेकिन उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे उस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ, इसको भी चेन रूल से जाके करना, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली,
साइन क्यूब एक्स थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हाँ ए हालांकि मैंने इसका सॉल्व करने का एक और तरीका बताया था दूसरे फॉर्मेट में बट जो ये दिया हुआ फॉर्मेट फॉर्मूला वाला सर साइन थ्री ए वाला हाँ साइन थ्री ए वाला सही है क्वेश्चन समझा ना ऑप्शन बी इसमें क्या है बच्चों कि अभी थोड़ा सा कभी बताया था ना x डिस्प्लेसमेंट है तो dx by dt को वेलोसिटी बोलते हैं जब पढ़ा रहे थे तो बताया था थोड़ा सा यस सर क्वेश्चन है dx by dt वेलोसिटी एट एनी टाइम मतलब dx by dt निकालना है दैट्स इट 15 सवाल ओके तो बच्चों आज का सेशन फिनिश करें